रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल होने वाला है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग अभी भी जारी है। इस बीच रूस को यूक्रेनी ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा है। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के ब्रांस क्षेत्र के बिजली आपूर्ति सुविधा को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में यात्रा कुरुक्षेत्र में चल रही है। यात्रा सोमवार सुबह खानपुर कोलिया से शुरू हुई, जिसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर त्योडा में सरदार जी ढाबा पर टी ब्रेक के लिए रुकी है। यहां करीब 40 मिनट तक राहुल गांधी ने चाय नाश्ते के साथ महिलाओं से चर्चा की। जबरन धन परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह जनहित याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विन उपाध्याय ने दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर मामला बताया था। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 150 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 153 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 204 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के मामले बढ़कर 66,86,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 67,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। बारिश से बाधित रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 475 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। वहीं अफ्रीका की पहली पारी 255 रन पर सिमट गई। उत्तर भारत के आधे से ज्यादा इलाकों में भीषण शीतलहर जारी है। यूपी, बिहार और पंजाब के कई इलाकों में दृश्यता नाक के बराबर रही। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 25 मीटर तक दर्ज की गई है। सोमवार सुबह पंजाब के बंटीडा, राजस्थान के गंगानगर, यूपी के आगरा और लखनऊ में दृश्यता शून्य रही। दिल्ली से गोवा आ रही गो फर्स्ट की फ्लाइट में एक एयर होस्टेस से बद सलूकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक विदेशी टूरिस्ट ने एयर होस्टेस को अपने पास बैठाने को कहा और फ्लाइट अटेंडेंट के मुताबिक अश्लील बातें भी की। एविएशन रेगुलेटर के मुताबिक घटना 6 फरवरी की है। एयरलाइंस ने विदेशी यात्रा को गोवा के नए एयरपोर्ट पर CISF के हवाले कर दिया है। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 230वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादातर बढ़कर 60,500 के करीब ट्रेंड कर रहा है। निफ्टी करीब 180 अंक बढ़कर 18,000 से पार पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी है।